का मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल से बड़ी खबर, एमपी में वोटिंग प्रतिशत का आंकड़ा बढ़ गया है, 77.15% से ज्यादा मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। निर्वाचन आयोग ने फाइनल आंकड़ा जारी किया है, 78.21% पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग की और 76.3% महिलाओं ने मतदान किया। अभी और बढ़ सकता है मतदान प्रतिशत, मतलब ये फाइनल आंकड़ा अभी नहीं है, तो मतदान का प्रतिशत अभी और बढ़ सकता है। फिलहाल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक 77.15% से ज्यादा मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। निर्वाचन आयोग ने यह आंकड़ा जारी किया है और यह भी बताया जा रहा है कि जो फाइनल आंकड़ा है, फाइनल फिगर है, वो अभी और बढ़ सकता है। छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह धरने पर बैठ गए। दिग्विजय सिंह ने खजुराहो पुलिस के सामने, थाने के सामने ही धरना दिया। उनके साथ मृतक सलमान के परिजन और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इनकी मांग थी कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करे। आपको बता दें, सलमान की मौत के मामले में पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो छतरपुर में सलमान की मौत के बाद छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान की मौत के बाद अभी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान खान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे थे और खजुराहो पुलिस थाने के सामने ही धरने पर वो बैठ गए। उनके साथ मृतक सलमान खान के परिजन और बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस की मांग है, दिग्विजय सिंह की मांग है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। सलमान खान की मौत के मामले में पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी अरविंद पटेरिया सहित 20 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। गिरफ्तारी की मांग कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह यहां पर करते हुए। पुलिस थाने के सामने ही दिग्विजय सिंह धरने पर बैठे थे। उनके साथ सलमान खान के मृतक के परिजन भी मौजूद थे और बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी मौजूद थे। तो छतरपुर के राजनगर में कांग्रेस कार्यकर्ता सलमान को श्रद्धांजलि देने के लिए दिग्विजय सिंह वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस थाने के सामने ही उन्होंने धरना दिया।